दोस्तों यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 15 सितंबर की सुबह क्रिकेट जगत में शोक का घनघोर अंधेरा आ गया। जी हाँ, आज एक ऐसे खबर निकल कर आई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। दरअसल विश्व क्रिकेट के कई ऐतिहासिक मुकाबलों में अपने सबसे करीबी दर्शक और पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ एम्पायरिंग को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले खिलाड़ी का आज अचानक निधन हो गया और जिससे पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। तो आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी और उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलीट पैनल के पूर्व अंपायर और पाकिस्तान के निवासी असद रऊफ का 14 सितंबर 2022 की रात कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। लाहौर में 22 मई 1956 को जन्मे असद रऊफ ने अपने करियर में 64 टेस्ट मैच में अंपायरिंग की और इसमें 49 में मैदानी अंपायरिंग जबकि 15 में टीवी अंपायर के रूप में अपनी सेवाएं दी। असद रऊफ ने इसके अलावा 139 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 28 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भी अंपायरिंग की। असद रऊफ ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक और रेलवे की तरफ से 71 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले थे। बाद में वो एम्पायर बने थे। उन्होंने आईपीएल में भी एम्पायरिंग की थी लेकिन साल 2013 में सट्टेबाजों से साठगांठ होने के चलते बीसीसीआई ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। साल 2013 में उनका करियर तब खत्म हो गया जब मुंबई पुलिस ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में उन्हें आरोपी बनाया और तब वो आईपीएल में एम्पायरिंग कर रहे थे जिसके बाद उन्हें आईपीएल को बीच में ही छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। बाद में वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी हट गए और इसके बाद तुरंत ही उन्हें आईसीसी एलीट पैनल से बाहर निकाल दिया गया। असद रऊफ बाद में लाहौर के लांडा बाजार में जूते कपड़ों की एक दुकान चलाया करते थे। दुनिया न्यूज ने असद रऊफ के भाई ताहिर के हवाले से बताया है कि आईसीसी एलीट पैनल के पूर्व एम्पायर लाहौर में लांडा बाजार स्थित अपनी दुकान बंद कर लौट रहे थे तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई और सीने में दर्द होने लगा। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने ट्वीट करके कहा कि असद रऊफ के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुखी हूँ। वो न सिर्फ अच्छे एम्पायर थे बल्कि उनमें हास्य का पुट भी भरा पड़ा था। वो मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखेर देते थे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज अधिक प्रभावित करेगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।